अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं क्वींसलैंड की एक प्रीमियर जो है एनेस्थीसिया और उनके साथ एक डिप्टी प्रीमियर भी हैं, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किए विजिटर वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, जो टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स हैं उनके हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर की। कल एक मीटिंग थी उनकी, उसमें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा। उनकी एक क्लिप भी है, 2-3 मिनट्स का वो क्लिप है, उसमें उन्होंने सारी बातें की, उस वीडियो को स्किप मत करना। और उसके बाद उन्होंने ये भी साफ बताया क्वारंटीन के हवाले से कि जो बॉर्डर्स हैं वो परमानेंटली क्लोज नहीं हैं, तो बॉर्डर्स जो हैं उनको एनी टाइम हम ओपन करेंगे। तो उसके बाद एक सिंगापुर से भी अपडेट आ रही थी, आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद बहुत से लोग जो कल उन्होंने मुझे टैक्स वगैरह किए थे, बहुत से हमारे बहन भाइयों ने, कि हमें थोड़ा बता दे आइल्स के बारे में दोबारा, कि जो उसकी एक्सपायरी के बारे में मैंने आपको कल बताया था। और उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा कुछ स्टेट्स की अपडेट है, और उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी अपडेट आ रही थी। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली बॉर्डर्स के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट कर दें। सरीन, यहाँ पर आपके साथ एक शॉर्ट अपडेट शेयर करनी थी। क्वींसलैंड के प्रीमियर ने शेयर किए, थैंक्स फॉर गेटिंग वैक्सीनेटेड क्वींसलैंड। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी एक फास्टेड, वैसे उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोसेस सब स्टेट्स ने स्टार्ट कर दी हैं, तो आप लोग सामने एक रिजल्ट भी इसका देख सकते हैं, जो क्वींसलैंड है वो भी वैक्सीनेटेड होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपके साथ एक वीडियो भी शॉर्ट क्लिप शेयर करूंगा, उसमें साफ इन्होंने डिप्टी जो प्रीमियर है और इन्होंने देखे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अवर इंटरनेशनल बॉर्डर शुड बी कीपिंग अस सेफ। देखें इंटरनेशनल बॉर्डर से वो हमें सेव कर सकते हैं। और आगे देख सकते हैं, वाई इज़ द फेडरल गवर्नमेंट अलाउंग अनवैक्सीनेटेड पीपल टू कम एंड गो। तो सामने अभी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसमें और क्या क्या इसमें बातें की गई हैं। Honestly think we need a serious discussion about ensuring that people are vaccinated coming into this country. We have got to minimize the risk. We're at a pressure cooker moment at the moment. Well, we can lower the caps, lower the people coming in, make sure the people coming in are vaccinated, make sure they're tested, and to stop the lockdowns on the East Coast, have regional quarantine facilities. Have them away from your densely populated areas of the capital cities, which then forces them into lockdown. These are very simple levers that can be pulled, but it needs everybody to work together. We have never said that vulnerable Australians should not be repatriated home through hotel quarantine. In fact, they should be. But the ABS data, the federal government's own data, confirms that thousands of people are being allowed to travel here who are not stranded Aussies. These are not Australian citizens or permanent residents, but every week 600 UK citizens arrive in Australia, 500 Chinese citizens, more than 300 Indonesians, more than 250 people from the United States, more than 200 people from the Philippines, 115 people from South Africa. In fact, last month 20,000 non-Australians arrived in Australia, permitted by the Morrison government, half of those on short-term temporary visas, 3,330 on temporary visitor visas, 4,650 on other temporary visas. We have no idea how many of those people are vaccinated. We do know that many of those people will have COVID-19. The borders are not genuinely closed, and these travellers are displacing Australians who are genuinely stranded overseas, genuinely trying to get home. This is the federal government's own data, and I note that they have directed the Australian Bureau of Statistics to stop now reporting this data. So from next month onwards, we will not know how many people they are allowing in breach of our closed borders. In addition to the non-Australians returning, every month about 40,000 Australian citizens and about 6,000 permanent visa holders are allowed to leave the country. Many then seek to return, rejoining the queue, going back through hotel quarantine, putting our community at risk. It turns out the only thing that's required to get a permit from the federal government to leave the country is proof that you have a meeting in another country, proof that you have a business meeting. It's not good enough that just because you can afford a business class flight or a charter flight, you can breach our closed international borders.
It's not good enough that the borders are open for the Prime Minister's corporate mates, but closed for the rest of us, putting Queenslanders at risk. We need to reduce the number of people travelling overseas and back into the country, the number of people coming into the country with COVID, until we have higher vaccination rates and dedicated quarantine facilities. सो इन आप लोगों ने वीडियो देख ली किस तरीके से इन्होंने बातें की है वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेटेड पीपल के बारे में और विजिटर्स वीज़ा, टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स के बारे में इन्होंने बात की है। सबसे पहले जो एनेस्थीसिया ने ये बात की कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं, उनको हमें अपनी कंट्री के अंदर अलाउ करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्वारंटीन के हवाले से एनेस्थीसिया ने बात की थी, हमारी जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी मतलब कोई मसला नहीं है। वो भी मतलब एयरपोर्ट के साथ इन्होंने बताया कि रिलीजन जो एरियाज़ वगैरह हैं अपने मतलब हमारे कंट्री में, उससे ये आउट मतलब क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी बन रही हैं, चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो हमें इनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन करना चाहिए। और उसके बाद जो डिप्टी प्रीमियर है उन्होंने भी क्लियरली इसमें यह बताया है कि हर साल इस कंट्री से इतने लोग आते हैं, और उसके बाद जो टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स जो हैं उसके बारे में बताया है कि वो वेटिंग में है, इतने आते हैं, 4600 कुछ बताया था इन्होंने। और उसके बाद विजिटर वीज़ा के बारे में बताया था, और भी इन्होंने जो सारी मतलब इन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के हवाले से इन्होंने बात की थी कि ये बॉर्डर्स जो हैं ये अभी परमानेंटली क्लोज नहीं है, ये भी इन्होंने टेम्प्ररी क्लोज़ किए हैं, तो बॉर्डर्स को भी जल्द से जल्द ओपन करेंगे। तो हमें इनकी बातों से मतलब ये हमें थोड़ा जाहिर होता है कि ये जो नेक्स्ट अब एक कमिंग मंथ्स के बाद, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि सितंबर 31 तक इन्होंने ट्रैवल बैन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी देखें न्यूज़ जो है ना वो डेली चेंज होती है, तो अगर क्या पता हमें जो कमिंग मंथ के अंदर या दिस ईयर के एंड तक ये प्लान बना ले बॉर्डर्स के हवाले से। तो आपने देख किस तरीके से इन्होंने जो बातें की हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, विजिटर वीज़ा के बारे में, तो मतलब ये सीरियस है इस चीज़ को लेके कि हमें अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, बाकी टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स हैं, टूरिस्ट हैं, इनको हमें अपनी कंट्री में अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 न्यूज़ मेलबर्न चैनल पर है, सिंगापुर हैज़ अनाउंस्ड अ रेडिकल प्लान टू लिव विद कोविड। टू लिव विद कोविड इसलिए इन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा है कि जो अभी कोई टाइम लाइन तो हमें नहीं गिवन कि कोविड कब ख़त्म होगा, तो इस वजह से इन्होंने ये कहा है कि हमें SOPs के साथ मतलब फॉलो करना चाहिए। कोविड की बात इन्होंने की, और आगे आप लोग देख सकते हैं लिंक आउट अ न्यू विजन फॉर लाइफ टू रिटर्न टू नॉर्मल। देखिए विजन जो इनका यही मकसद है मेन, कि हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाए, उसके बाद विच इंक्लूड्स नो लॉकडाउंस और क्वारंटीन फॉर ट्रैवलर्स। देखें क्वारंटीन और लॉकडाउंस की मतलब इन्होंने बात की कि उसकी कोई ज़रूरत ना पड़े आगे कमिंग टाइम में। तो यहाँ पर एक और अपडेट आपसे शेयर करनी थी इसमें कि जिस तरह अभी आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का एक ट्रैवल बबल स्टार्ट होने लगा था, तो अभी ट्रैवल बबल इस सिचुएशन बस कोविड केसेस की वजह से अभी इन्होंने पॉज किया हुआ है। तो आगे कमिंग मंथ के अंदर क्या पता मतलब ये आगे ऐसा हो सकता है कि अभी जो रेड लिस्ट में इन्होंने कंट्रीज़ डाली हैं वो जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तो क्या पता उसको भी ये इंक्लूड कर दे अगर सिचुएशन क्लियर होती है। सरिन कल बहुत से हमारे बहन भाई ने मुझे टेक्स्ट किया था कि हमें थोड़ा आइल्स की जो एक्सपायरी है उसके बारे में थोड़ा एग्जैक्ट हमें बता दें ये सिचुएशन क्या है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, जो एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि बहुत से मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को मतलब आइल्स में जिस तरह एक्सपायरी 2 ईयर्स की होती है तो उन्होंने 1 ईयर एक्सटेंड किया है। तो अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि आपके जो आइट्स है वो 2 ईयर्स के लिए है या 3 ईयर्स के लिए, तो आप लोग अपने कंसल्टेंट के पास जाए जिसने आपका केस लिया था, वो आपकी यूनिवर्सिटी को एक लेटर भेजेंगे जिसमें वो मतलब इसमें साफ यही लिखा होगा कि आइट्स की जो एक्सपायरी है आप उसमें बताना है एग्जैक्ट, जो ऑनेस्टी सिचुएशन बताना है कि इस टाइम पर एक्सपायर होने वाली है, तो क्या आगे आप लोग इसको रिकमेंडेड करेंगे, तो वो आपको खुद इसमें बता देंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप इसमें लकी हुए तो वो आपको बता देंगे कि आपके लिए 1 ईयर एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद डेफरमेंट के बारे में बात करते हैं, डेफरमेंट अगर नहीं कराया तो उसका कराने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर गिवन किया किस तरीके से आप लोग करा सकते हैं। अगर उससे आसान तरीका चाहिए तो आप लोग अपने कंसल्टेंट के पास ही जाए, वो आपको करा के देंगे, वो आपके मतलब यूनिवर्सिटी से बात करेंगे कि इनके लिए जो डेफरमेंट है वो करा दें। तो और आगे एक और बात है कि जो डेफरमेंट के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि डेफर नहीं हो रहा, वन टाइम होता है, तो मैं आपको बता दूं डेफरमेंट जो है वो 3 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। सोरेन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग पर्थ के बारे में पूछ रहे थे, पर्थ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्थ की भी अपडेट्स आएंगी आगे कमिंग मंथ के अंदर, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर भी किया था उसमें साफ इन्होंने बताया कि अल्टरनेटिव मतलब होटल क्वारंटीन एयरपोर्ट क्वारंटीन के साथ बनाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं ये विक्टोरिया का, तो आपको पता ही है कि वो भी मतलब दिस ईयर के मतलब इन्होंने जो मेन टारगेट रखा है वो दिस ईयर के एंड तक रखे हैं कि जो सारी जो मेन मेन स्टेट्स हैं जिस तरह मेलबर्न मैंने आपको बताया, विक्टोरिया और क्वींसलैंड का बताया है, उसके बाद ये पर्थ का भी अभी आपको बता दी, तस्मानिया की भी अभी मतलब ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये सारी मतलब जो स्टेट्स हैं इन्होंने एक टारगेट रखा है कि दिस ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट तक इसको कंप्लीट किया जाए।
सो एंड आज की वीडियो मेरी याद रखती है, अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा आप लोग को आंसर्स करूँगा। सो आज की वीडियो याद रखती है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली जो बॉर्डर्स की अपडेट्स है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।